तो दोस्तों, आज से करीब कुछ महीने पहले यानी कि 9 नवंबर 2019 को रिजल्ट आया इंडिया के लॉन्गेस्ट रनिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, जिसमें हिंदूज को रीजनल विक्ट्री मिलती है और उनको डिस्प्यूटेड लैंड पे मंदिर बनाने का डिसीजन जाता है। वहीं मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही एक और जगह पर नई प्रॉपर्टी देने का निश्चय किया जाता है और वहाँ पर वो अपनी मॉस्क बना सकते हैं। तो ये बहुत लंबा एक डिस्प्यूट था और जिसका एंड होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एज इंडिया एज ए कंट्री और इंडिया एज अ यूफोरिक रिलीजन सपोर्टिंग कंट्री। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करीब 150 साल पुराना है और कहा जाता है कि उसके भी कई साल पहले से इसकी लड़ाई शुरू हो गई थी। आपको बता दें, पहला केस जो इस पर फाइल किया गया था वो 30 नवंबर 1858 को किया गया था और उसके बाद से लगातार इसमें सीरीज ऑफ केस फाइल्ड होते रहे, रिजल्ट्स भी आते रहे, कई बार हिंदू के पक्ष में रहा, कई बार उनके खिलाफ रहा और बीच में तो सबसे डार्क हिस्ट्री भी देखने को मिली जब 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ जिसमें बहुत लोग मारे गए। फाइनली अब ये लग रहा है कि 5 अगस्त 2020 को ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो था उसको अब ख़त्म करने के बाद एक टेम्पल जो मंदिर निर्माण कराना था उसकी शुरुआत हो जाएगी और फाइनली सब कुछ अच्छा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको अयोध्या, अभी की अयोध्या और फ्यूचर की अयोध्या के बारे में बताएंगे। अयोध्या में कौन से चेंजेस हो चुके हैं और कौन से चेंजेस होने वाले हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, इस तीर्थ क्षेत्र को जानने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो अयोध्या जो मैथोलॉजिकली हिंदूज के सबसे ज्यादा फॉलोड डेटी में से एक, श्री राम की जन्मस्थली है, वो इंडिया के यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। ये 2018 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बन गया और उसी के बाद से इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इसके पहले ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था, लेकिन 2018 में योगी गवर्नमेंट ने इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब और डिस्ट्रिक्ट की तरह मान लिया। करंट में यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलता है और इसका करीब 79.8 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। यहाँ पर करीब 4,51,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर डेंसिटी जो है वो 5,700 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर की है। अभी जो वर्ड है अयोध्या, इसके दो मतलब है। एक मतलब है इनविंसिबल यानी कि जिसको कभी हराया ना जा सके, और दूसरा अयोध्या यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर कभी कोई वॉर नहीं हुई हो। और एकदम ये सही भी है, कह सकते हैं कि यहाँ पर कभी वॉर नहीं हुई। जो त्रेता युग से यानी कि श्री राम के समय से यहाँ पर वॉर कभी नहीं देखी गई, बहुत ही सुख और संपदाओं का बढ़ा हुआ ये क्षेत्र था, लेकिन बाद में चल के यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और कहते हैं कि इसको अभिशाप मिल गया एंड देन अयोध्या की हिस्ट्री पूरी डाउनफॉल की हिस्ट्री ही देखी गई। खैर, अयोध्या अभी अपने हिसाब से अच्छी पेस से डेवलप हो रहा है और अभी जो गवर्नमेंट आई है यानी कि योगी गवर्नमेंट, इसने कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे अयोध्या का डेवलपमेंट एक फार साइटेड व्यू नहीं बल्कि अब एक पॉसिबल वर्क लग रहा है। आपको बता दें कि जितनी भी सिटीज़ होती हैं उनके साथ एक सिस्टर सिटीज़ भी रखी जाती हैं और उनका कंपैरिजन उन सिस्टर सिटीज़ के साथ करके उनका डेवलपमेंट किया जाता है। अयोध्या के केस में ये जो उसकी सिस्टर सिटीज़ हैं वो दो सिस्टर सिटीज़ हैं, एक है जनकपुर और दूसरा है गिमे जो साउथ कोरिया में पड़ता है। तो अगर हम अयोध्या की रीसेंट हिस्ट्री को देखें अराउंड फ्रीडम के बाद और अराउंड 1990s के बाद से, तो अयोध्या की जो हिस्ट्री रही है बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ तो लेकिन उसकी पेस बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इसका शायद सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अयोध्या ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री और कन्फ्लिक्ट्स देखे इंडिया के दो सबसे बड़े रिलीजन के बीच में। अयोध्या एज अ मेन सिटी जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड है हिंदू के द्वारा, वहीं उसके पास की जो सिटी है यानी कि फैजाबाद एंड इवन सम आउटस्कर्ट्स ऑफ अयोध्या, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है मुस्लिम की वजह से, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन जो होता है वो इस समय कई सालों से कन्फ्लिक्ट को जन्म दे रहा था। और इसका कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था राम जन्मभूमि का विवाद, जो फाइनली सॉल्व हो गया है एंड अब हम ये चाहेंगे कि ये
जो डिस्प्यूट रहा है दोनों बड़े रिलीजन में, एक खत्म हो जाए। अब इस डिस्प्यूट की वजह से अयोध्या जो बहुत ही बड़ा होली प्लेस हो सकता था इन कंपैरिजन टू वाराणसी और मथुरा, उस तरह नहीं बन पाया। लेकिन अयोध्या ने भी बहुत ट्राई किया डेवलपमेंट के साथ और अपने जो लुक अलाइक्स हैं उनके साथ डेवलपमेंट फेज में बने रहना, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अयोध्या पीछे रह गया। देखिए, अयोध्या की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको आज तक हमेशा एक होली प्लेस की तरह ही देखा गया। इसमें कभी भी इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई नई परियोजनाएं और नई स्कीम्स को चलाने का फैसला नहीं लिया गया। और क्योंकि इतने सालों से डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए जो रिलीजन, द सो कॉल्ड रिलीजन टैग जो इसको दिया गया था, उस पर भी कुछ भी काम नहीं हो पाया। इसको जो कल्चरल हब बनाने की बात की जा रही थी वो रुका रहा। एंड फाइनली हमें ये मिला कि इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी अयोध्या अपने स्ट्रगलिंग फेज में है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन प्लेसेस और होली प्लेसेस इन इंडिया। देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ अयोध्या गवर्नमेंट को, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन को, बल्कि यहाँ पर जो उनकी सोच थी उन पे मैं एक नज़र डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उन पे लाइट डाल रहा हूँ कि उनको थोड़ा अलग होकर सोचना चाहिए था। खैर, अगर हम अयोध्या को एज अ डेवलपमेंट फेज में देखें तो अयोध्या में कई सारे काम कराए गए, जैसे रामकथा म्यूजियम स्टार्ट कराया गया एंड वेरियस अदर स्कीम्स लाई गई, जैसे रामायण सर्किट एंड ऑल द अदर स्कीम्स, जिसने अयोध्या को अब एक अच्छी राह दे दी। और जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब 2017 में पहली बार यहां पर दीपोत्सव हुआ तो उसके बाद से कई प्रकार से यहां पर जो एटीट्यूड था वो साफ हो गया गवर्नमेंट का, कि अब गवर्नमेंट क्लियरली इसका डेवलपमेंट पे फोकस करेगी। एंड ये ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड भी था, एज अ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले से ही राम जन्मभूमि विवाद को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फोकस रहा है उनका। एंड अब क्योंकि वो पावर में भी हैं और उनके पास रीज़न भी है बनाने का, सो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। द फ्यूचर अयोध्या, जब हम इसकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट की मानसिकता ये है कि अयोध्या को त्रेता युग का अयोध्या बनाया जाए, यानी कि वो अयोध्या जहाँ पर बुराइयाँ बिल्कुल भी ना हो। खैर, ये तो बहुत ही ज़्यादा आइडियोलॉजिकल हो गया, बहुत ही ज़्यादा यूटोपियन विज़न हो गया, लेकिन सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं ये सही किया जा सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एंड लोकल अथॉरिटीज़ ने अच्छे से कमर कस ली है। अब अयोध्या में तीर्थ डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ का जो पास का एयरपोर्ट है, जो सो कॉल्ड एयरपोर्ट कहा जाता है बल्कि सिर्फ एक हवाई पट्टी है, उसको बनाने की तैयारी कर चल रही है। उसमें करीब 640 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी होगी, जिससे यहाँ पर एक प्रॉपर एयरपोर्ट बन सके। इसके अलावा 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें लॉर्ड राम की जो लाइफ थी उसको डिपिक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो सरयू रिवर है, जहाँ पर मैथोलॉजिकली एक बार डुबकी लगा लेने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसमें भी बहुत बड़े डेवलपमेंट कराने की कोशिश की जा रही है। इसको सफाई करने के लिए, इसकी सफाई करने के लिए सरयू रिवर नेशनल प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1385 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है और इसका पैसा भी आवंटन होना शुरू हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्रूज़ भी चलाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा होटल्स, पार्क, सिनेमा हॉल्स और कई ऐसे पब्लिक स्पॉट्स जिनको यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा, बनाया जाएगा और उसको भी वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिसका कार्य लगभग 25% तक हो गया है एंड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस रोक दिया गया, बट अभी फिर से वो स्टार्ट होने की तैयारी में है। यहाँ पर 3000 से लेकर 4000 बसेस को एक बार में कंट्रोल करने की क्षमता बनाई जा रही है। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को स्ट्रेंज करती भी है एंड मैं भी ये सोच के बहुत हैरान हूँ, कि यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा और इंडिया का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की तैयारी हो रही है। मतलब इंडिया का अब एक स्टेट अपने ही दूसरे स्टेट को पिछाड़ेगा लंबी मूर्ति के मामले में, और थोड़ा ये ज़्यादा ही फार साइटेड लग रहा है, क्योंकि ये करना बहुत ही अजीब लगा, बट कोई बात नहीं, उसकी जगह पर कोई अगर और दूसरे इनिशिएटिव लिए जाते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता। अगर करंट में आप अयोध्या घूमने आते हैं तो यहाँ पर हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर,
नया घाट, राम की पैड़ी और तुलसी उद्यान जैसे प्लेसेस हैं जिसको आप घूम सकते हैं, बट अभी भी इनको बहुत अच्छे से डेवलपमेंट की ज़रूरत है लोकल स्तर पर, एंड इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये मेरी जो सिटी ओवरव्यू था ये अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।